नमस्ते, टेस्टी सफर में मैं अर्चना आर्ते आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपको तो मालूम है मैं गोवा में हूँ और प्रज्वला के घर पे हूँ। तो आज प्रज्वला की बड़ी भाभी हमारे साथ है, उनका नाम है सलिता। तो भाभी जी क्या सिखाने वाली है आज? मैं आपको सिखाऊंगी रेशादो मसाला वाला बांगड़ा। अरे गोवन स्पेशलिटी है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा रहता है। आप एक बार खाएंगे तो छोड़ेगी नहीं, बार बार गोवा में आएगी सिर्फ रेशादो खाने के लिए। तो यहाँ पे बांगड़ा लिया, पहले ये मैंने ऑलरेडी कट करके रखा है। हाँ। मैं आपको बताऊंगी ये कैसे कट करना है। तो ये उसका स्केलेटन रहता है ना, हाँ, उसके ऊपर से कट करना है, स्लिट कर। इसमें वो मसाला जाएगा नीचे। अच्छा, से भी हाँ, दोनों तरफ से। हाँ। इस तरफ से नहीं। ओके। हाँ? यहाँ से डॉर्सल साइड रहते हैं ना। अच्छा 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 अच्छा। तो हाँ, ओके ओके। उधर जनरली जो हम पॉम्प्लेट का करते हैं ना, ऊपर से करना है ना, साइड से, एक ही साइड से करते हैं। लेकिन ये कुछ करना है, ये भी इसको करना है ऊपर से, पर ये सुपरफिशियल कट रहता है। अच्छा, स्लाइड कट। हाँ, ओके। तो नहीं तो सब फ्लैश बाहर आ जाए। तो इस तरह ये कट कर रखा। कट करने के बाद सिर्फ धोके रखा है उसने? नहीं, उसको नमक लगा के रखा था पहले से। अच्छा, पहले ये मस्टर्ड सीड्स रोस्ट करेंगे। थोड़ा फूलना चाहिए। हाँ, पॉप हो जाएंगे ना तभी निकालना है। अभी पॉप होना शुरू हो गया, ये देखो। हाँ, अभी लो फ्लेम करके ये निकालो। अभी 1/4 teaspoon ये फेनल सीड्स है। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा ड्राई, थोड़ा सा हल्का सा, हल्का सा कलर उसका नहीं चेंज होने देना है, बराबर ना? हाँ, हल्का सा। अभी हो गया, हो गया। ओके, गैस बंद कर, बंद कर। ओके, और इसमें निकालो। ओके, ये बराबर इसके साथ में ग्राइंड करना है ना, तो इसमें निकाल सकते हैं। सरिता, यहाँ पे लाल मिर्च दिख रही है। हाँ, ये कश्मीरी मिर्च है। हाँ। रेड कश्मीरी चिली। तो इसको पहले से ही सोक किया है विनेगर में। विनेगर का टेस्ट साथ खट्टा रहता है, खट्टा रहता है। स्पेशली यूज बेटर यूज व्हाइट विनेगर। ये 20 है रेड चिलीज, इसके साथ में ये 1 cup विनेगर डाला है सोक करने के लिए। ग्राइंड करते वक्त और लगेगा तो यूज कर सकते। अच्छा है, अभी हम इसको ग्राइंड करने वाले हैं। हाँ। बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ। ओके, पानी नहीं डालना है ग्राइंड करते वक्त, सिर्फ विनेगर में ही ग्राइंड करना है। अभी इसमें ये जाएगा जिंजर और गार्लिक जाएगा। जिंजर 1 inch है और ये गार्लिक है 8 लहसुन की कलियां। बाद में अब आप काली मिर्च डालिए 5 से 6 1/2 teaspoon कोरिएंडर सीड्स, धनिया। अभी इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालना है। अभी इसमें इलायची डालो, 2 इलायची 4 लौंग और 1 inch दालचीनी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच शक्कर और नमक स्वाद अनुसार। ये ऑनियन है, ये हमने पहले से ही ये सॉटे करके रखा है, ये भी डालना है इसमें। ड्राई रोस्ट किया हुआ सौंफ और सरसों भी डालना है इसमें। और ये विनेगर डालना है? विनेगर अगर चाहिए ग्राइंड करते वक्त तभी डालना है। अभी ग्राइंड कर लेंगे। हाँ, अगर विनेगर चाहिए तभी थोड़ा डालेंगे। हाँ, चाहिए? थोड़ा थोड़ा सा डालो, थोड़ा सा। अभी तीखी पेस्ट रहनी है। ओके। तो वापस इसको, अभी ये देखो कितना स्मूथ आया है, मतलब एकदम स्मूथ पेस्ट होनी चाहिए। अब क्या करना है सरिता? गरम करेंगे तेल को। गरम। हाँ, ओके। अभी जो ये रेशादो मसाला है हमारा बनाया हुआ, तो हम इसमें इसको भर के डालना है। हाँ, ये इसके साथ ही खाना है। मसाला का टेस्टी है कि नहीं? बहुत ही टेम्पटिंग है। और सलिता मुझे एक बात बताना, ये रेशादो क्यों बोलते हैं? रेशादो ये पोर्चुगीज वर्ड है। ओके, तो ये पोर्चुगीज का ओरिजिनली है।
इसका मतलब है स्टफ्ड मैकरल. अच्छा, स्टफ मैकरल्स के अलावा आप और भी फिश ले सकते हैं. आप को लगाने के बाद इस सूजी में रोल करना है इसको अच्छी तरह से. अभी तेल गरम हुआ है ना, तो हम इसको डालेंगे ऐसे ही दूसरा ही. ओके, इसमें भी डालेंगे पूरा. ये स्लिट है ना, ये इसमें डालना है. अच्छी तरह से दोनों तरफ से लो फ्लेम पर लो फ्लेम पर शैलो फ्राई करना है. इसे भी पलट लेते हैं. इसको अगर लो फ्लेम में फ्राई करेंगे तो ज़्यादा क्रिस्पी रहेगा. अच्छा, पहले पलट लेते हैं. हाँ, पलट ही. अच्छा, और उसके बाद उसको हर तरफ से फ्राई करके लेंगे. अभी इसको थोड़ा सा खड़ा कर देंगे. हाँ, अभी इसको थोड़ा सा खड़ा करेंगे ताकि इस साइड में भी थोड़ा फ्राई हो जाए. अभी ये हो गया तो इसको निकालेंगे. ये भी रख लेते हैं. और ये रेशादो मैकरल्स रेडी है खाने के लिए. रेशादो मैकरल्स रेडी है, गर्मा गर्म है, मुंह में पानी आ रहा है. मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि मेरे सारे शब्द अंदर चले गए हैं. मुझे ये टेस्ट करना है. सलीता, थैंक यू वेरी मच फॉर इतनी अच्छी रेसिपी बताई मुझे. आपको भी बहुत धन्यवाद. आपकी मैं बड़ी फैन हूँ. तो देखती हूँ टेस्टी सफर, हमेशा आपकी सब रेसिपीज पढ़ती हूँ, सब रेसिपीज ट्राई भी करती हूँ. थैंक यू. आप भी देखिएगा. और यू आर मोस्ट वेलकम टू गोवा. हम गोवंस को तो मेहमान नवाजी बहुत अच्छी लगती है. सो कीप कमिंग टू गोवा. या वाई नॉट. और इसके लिए तो मैं बार बार प्रज्वलक और आप सभी को मिलने को आती हूँ ताकि अच्छे अच्छे रेसिपीज खाने को भी मिलती है और सीखने को भी मिलती है. आपको भी ये रेसिपी ट्राई करनी है और हमें बतानी है कि कैसी लगी, कैसी हो गई आपकी रेसिपी. और टेस्टी सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना.